नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसे में 100 से ज्यादा की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हादसे के बारे में ली जानकारी। पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा, हेल्पलाइन नंबर किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रचंड प्रहार, कहा कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी, झूठ को बनाया राजनीति का हथियार। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस लोगों को लड़ाने के लिए फैला रही है अफवाहें। प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश, सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत को दिखाया जा रहा है नीचा। प्रधानमंत्री ने कहा यह अपमान केवल सहयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने आपातकाल सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा, तानाशाही शासन में क्रूरता की सभी हदें हुई पार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा संविधान सिर पर रखकर नाचने वालों के पास जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करने का नहीं था हौसला। प्रधानमंत्री ने कहा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की हुई शुरुआत। और सड़क से लेकर संसद तक पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की गूंज, भाजपा सांसद सौमित्रा खान ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के पीड़ितों से की मुलाकात। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का दायर किया मुकदमा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक सत्संग में मची भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रवचन में शामिल हुए कई अन्य भक्त अफरा तफरी में घायल भी हो गए। ये घटना सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के फुलराई गांव की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना को लेकर अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को 24 घंटे में घटना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना को लेकर हाथरस के जिला अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 0572227041 और 0572227042 है। एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है जी। यहां पे जो अभी सीएससी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई जानों की हानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हाथरस की घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी।
इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस में हुई दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हमने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। इस पूरे मामले की जाँच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने हाथरस हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता घायलों का इलाज है। चिराग पासवान ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। सर, आज ना हाथरस की जो घटना है सर, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना तो बिल्कुल दुखद घटना है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, पर आज की तारीख में प्राथमिकता घायलों को स्वस्थ करने की है। जल्द से जल्द बिना लापरवाही के उनका इलाज हो, उसमें कहीं से कोई कोताही ना बरती जाए। हाथरस की घटना पर उन्होंने बेहद दुख जताया है और कहा है कि उनकी प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकता पहले वहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लेना है, उसके बाद जो घायल हैं उनको इलाज के लिए उचित व्यवस्था देनी है। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि हाथरस हादसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एडीजी जोन और कमिश्नर मामले की जांच कर रहे हैं और 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहां के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में उन्हें तीसरी बार मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है, ये अपने आप में
लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत को नीचा दिखाना, अपमानित करना और मजाक बनाया जा रहा है। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लिए कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सबसे बड़ी चुनौती रहा है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी की हर एक साजिश का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही असहमति दिखी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच विरोधाभास देखने को मिला।
संसद के मौजूदा सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में भारी नोकझोंक देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस का आंतरिक मतभेद भी उभर कर सामने आ रहा है। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी गतिरोध देखने को मिली, तो वहीं राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनकर के बीच जमकर बहस हुई। खड़गे ने सभापति पर आरोप लगाया कि जयराम रमेश को बोलने का मौका ज्यादा मिल रहा है क्योंकि वो ज्यादा विद्वान हैं। इस दौरान राज्यसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। हालांकि सभापति धनकर खड़गे के आरोप से बेहद आहत भी हुए, लेकिन खड़गे ने उनकी एक बात नहीं मानी। Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh is a very intelligent, very that, and I am dull, so that no, he no, should no, be replaced. No, no, no. मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। उधर लोकसभा में गुरुवार को जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तो विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। राजनीति पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है, ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बंगाल राजनीति की जंग भी देखने को मिली, जब बीजेपी और टीएमसी के सांसद आमने सामने थे। 200 घर जगह तक हम लोग का मार दिया, शहर में कोई फ्रीडम नहीं है, विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल में कोई मीटिंग भी नहीं होता है। जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 21 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया। लोकसभा में 16 घंटे से भी ज्यादा चली मैराथन बहस का पीएम मोदी ने मंगलवार को जहां जवाब दिया, वहीं राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और निशांत राय के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा के युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए सर सड़कों पर उतरना पड़ा है भारतीय जनता युवा मोर्चा को? देश के प्रतिपक्ष के नेता जो बार बार लॉन्च होने के बाद फेल हो रहे हैं, ऐसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर संसद के अंदर, संसद के गलियारे में नहीं, संसद भवन के अंदर खड़े होकर हिंदू समाज का अपमान करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं और हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू हिंसा करता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो माताएं बहनें भाई खड़े हैं मंदिर में, ये क्या हिंसा करने आए हैं? ये हिंसा क्या है? ये एक शब्द जरा दूसरे समाज के बारे में बोल के देखें, एक शब्द जरा बोल के देखें, क्योंकि हिंदू उदारवादी है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू माफ़ करता है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है, तो अब उसे कुछ भी गरी आएंगे तो ये समाज ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कब तक रहेगा आपका इस तरह का प्रोटेस्ट? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट उनकी भाषा के खिलाफ है, जो उन्होंने शब्द कहे हैं उसके खिलाफ है, वो उसके लिए माफ़ी मांगे, सदन के भीतर माफ़ी मांगे, जो झूठ उन्होंने बोला उसके लिए माफ़ी मांगे। मैं राहुल गांधी की मजबूरी समझता हूँ, वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दिया, वायनाड से प्रियंका को अपनी बहन को चुनाव लड़वाना है और वहाँ गाली देंगे हिंदुओं को, तभी मुसलमान वोट देगा। माफी मांगे इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा समेत भारतीय जनता युवा के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन शिव कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया और कल संसद में राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नागपुर के छापरू नगर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला जलाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर देश भर के हिंदुओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भोपाल में राहुल गांधी की टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था जिससे देशभर में हिंदुओं में नाराजगी देखी जा रही है। राहुल गांधी की संसद में हिंदुओं के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुजरात के अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनने पर डिक शूफ को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर डिक शूफ को बधाई। अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, गतिशीलता, नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित भारत नीदरलैंड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टीवी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। टीवी रविचंद्रन वर्तमान में खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा पूर्व रॉ प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और एडिशनल एनएसए की नियुक्ति टीवी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कमान सौंपी गई है। तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं टीवी रविचंद्रन। वर्तमान में खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में वो कार्यरत हैं। राजेंद्र खन्ना अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख हैं राजेंद्र खन्ना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। नारायणपुर के जंगल में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर के बाद जवानों की टीम मौके पर पहुंची, जहां जवानों को आता देख नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने गोलियां चलाई। नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ इस वक्त अभियान में डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल थे। इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज जीतने वाली भारतीय डेफ क्रिकेट टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। 7 मैचों की T20 सीरीज को 5-2 से अपने नाम करने वाली डेफ टीम जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो प्रशंसकों ने उन्हें फूलमाला और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जुनून, जज्बा और जीत की जिद का दूसरा नाम है भारतीय डेफ क्रिकेट टीम। भले ही ये खिलाड़ी बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन इनके हौसले की कहानी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में इनकी जीत ने बयां कर दी। इंग्लैंड की धरती पर खेले गए 7 मैचों की ऐतिहासिक T20 सीरीज अपने नाम करने वाली भारतीय डेफ क्रिकेट टीम जब स्वदेश लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही विजेता टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली तो खिलाड़ियों का स्वागत फूलमाला और गुलदस्ता देकर किया गया।
इस मौके पर टीम के हेड कोच संतोष कुमार राय ने खिलाड़ियों की जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत की डेफ क्रिकेट टीम दुनिया की किसी भी टीम के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। हमारे सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और इसी का नतीजा है कि जो आप स्कोर लाइन देख रहे हैं 5-2 से हमने जो जीत हासिल की है एक बहुत बड़ी जीत है हमारे डेफ क्रिकेट टीम के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस जीत से हमारी टीम का हौसला बुलंद होगा और आने वाले समय में जो भी किसी दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय हमारे मुकाबले होंगे या हमारा वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स भी होंगे उसमें हमारी टीम जो है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं जीत की ट्रॉफी लेकर स्वदेश पहुंचे खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह का भाव साफ नजर आया। टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह ने टीम की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व का पल है। जब हम इंग्लैंड की धरती पे गए, भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, तो सबसे पहले वहाँ का जो भी माहौल था बहुत ही अच्छा माहौल था। इंग्लैंड टीम ने केवल 2 मुकाबले जीते, हमने 5 मुकाबले जीते, क्योंकि हम सब आत्मविश्वास से भरपूर थे और हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो सब में भरपूर है और हमें इस बात का अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ये सब कर सकते हैं। जैसे कि भारत की मेन जो टीम है बोलने सुनने वाली, उसी तरीके का हम भी प्रदर्शन करते हैं और हमें अपने आप पर काफी गर्व और आत्मविश्वास है कि हम उन्हें 5-2 से सीरीज हरा के आए हुए हैं। एक और जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर देशवासियों को गौरवान्वित किया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय डेफ क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई ऐतिहासिक T20 सीरीज को 5-2 के अंतर से अपने नाम करके इतिहास रच दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ और भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के सूरत और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, तो कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची में बारिश के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जलभराव के कारण ज्यादातर इलाकों में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ और भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के सूरत और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, तो कई स्थानों पर जलभराव देखने को मिला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची में बारिश के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जलभराव के कारण ज्यादातर इलाकों में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर में असम बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। असम के 19 जिलों में अभी भी बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूबे के तिनसुकिया जिले के लाइका दोधिया के लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। बाढ़ की वजह से असम में जान माल का बहुत ही नुकसान पहुंचा है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत दर्जन भर जिले पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा है। 19 जिलों के 1,275 गांवों में 2,75,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं असम के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोलाघाट में ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। पानी अभी ज़्यादा है, कल रात से बहुत पानी हो गया। पानी से बहुत आदमी लोग को मुश्किल होता है, बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया। कल रात से हरदम पानी बढ़ रहा है, रास्ता घाट, आदमी का घर द्वार सब पानी उठ रहा है, आदमी का बहुत दिक्कत हो रहा है। आदमी बहुत परेशान है, घर सर सब डूब रहे हैं इसमें। गुजरात में लगातार भारी बारिश के बाद सूरत जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। वहीं सूरत जिले की बलसाना तहसील में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। उधर वलसाड में बारिश के कारण सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं पंजाब के चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश से सड़कों पर पानी भरने से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। उधर झारखंड के रांची में भी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात व्यवस्था ठप हो गई। गौरतलब है कि मॉनसून से पहले उत्तर पश्चिम भारत में जून में 122 साल बाद इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। जून 2024 में 11% कम बारिश हुई है, जो बीते 5 साल में इस महीने में सर्वाधिक कम बारिश है। मौसम विभाग के अनुसार देश में जून महीने में 147.2 मिलीमीटर बारिश हुई है,
जबकि सामान्य बारिश 165.3 मिलीमीटर होती है। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 33% कम बारिश दर्ज की गई, वहीं मध्य भारत में 14% की कमी और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 13% की कमी दर्ज की गई। जून में केवल दक्षिण भारत में ही अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई। ब्यूरो इनपुट के साथ सुबीना राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। प्लास्टिक से प्रकृति के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को खत्म करना है। ये जरूरत उन खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप अभियान शुरू किया था। 2014 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। 2015 में यूरोपीय संघ ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए कुछ निर्देश भी पारित किए। 2019 में पीएम मोदी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। 1 जुलाई 2022 को भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था। पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। कई देशों ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत अब प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लोगों से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवे बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। भारत देश भर में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2022 में लागू कार्यक्रम के तहत भारत भी अभिनव पैकेज अपना रहा है। ये जो जैकेट है, ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है, और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है, और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। सालाना लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ये आंकड़ा 2024 और 2050 के बीच 62% बढ़ने का अनुमान है। इस प्लास्टिक कचरे का अधिकांश हिस्सा पर्यावरण में लीक हो जाता है, खासकर नदियों और महासागरों में, जहां ये छोटे कणों माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक में टूट जाता है और मृदा और जल के माध्यम से ये मानव शरीर में पहुंच जाता है और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर आइए हम अपने दैनिक जीवन में पुनः प्रयोग वाले विकल्पों को अपनाने का संकल्प लें और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में छोटे कदम अपने स्तर पर उठाएं। दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा सांसद बंटी संजय कुमार के साथ मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में जिला खनिज फंड से बने उत्पादों का विमोचन किया गया। इसे डीएमएफ गैलरी नाम दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ ही राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मौजूद रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में अदालत परिसरों का शिलान्यास किया। कोर्ट की नई बिल्डिंग कई तरह की सुविधाओं से लैस होगी।
नवनियुक्त थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में कृषि विभाग के तहत उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई की गिरफ्तारी को गलत ठहराने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई चुनौती पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े ऋण चूक मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 180 करोड़ रुपए के ऋण से जुड़ा है। इस मामले में विजय माल्या सहित कुल 10 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस सिलसिले में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह विस्फोटक ट्राई नाइट्रो टोलुइन की तुलना में दोगुने से भी अधिक घातक है। इस विस्फोटक को सेबेक्स 2 नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश और कैमरून के 2 स्टूडेंट्स ने 2 भारतीय छात्रों के साथ मिलकर रिटायर्ड कर्मचारी को घर बैठे कमाई का लालच देकर के उनसे 27 लाख रुपए की ठगी की थी। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। जीका वायरस से संक्रमित मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा